बैड बैंक के कॉन्सेप्ट पर यूं तो 2017 से ही चर्चा चल रही है, मगर आरबीआई के गवर्नर के एक बयान के बाद इन दिनों ये नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। बैंकों के सामने बैंक लोन की गंभीर समस्या को आर्थिक मामलों के जानकार एके मिश्रा कुछ यूं समझाते हैं। का काम होता है लोन को देना और उस पे इंटरेस्ट लेना, पैसे का लेन देन करना और इंटरेस्ट के थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ भारत में भी ये दिक्कत आ रही है कि बैड डेब्ट्स या बैड लोन बहुत ज़्यादा अकर हो रहे हैं इनकी बैलेंस शीट में। यानी लोग लोन तो ले लेते हैं और बैंक जो है उस लोन की रिकवरी नहीं कर पाती है, ऐसे लोन को बैड डेब्ट या बैड लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब अगर ये बैड डेब्ट या बैड लोन हर वक्त जो है बैंक की बैलेंस शीट पे, जब इनकी एनुअल क्लोजिंग होती है, मंथली होती है, या उसके बाद आप ये देखिए क्वार्टरली क्लोजिंग होती है, हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है, तो ये लोन उनके बैलेंस शीट में दिखते रहते हैं, जिसके कारण बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो बहुत हेल्दी नहीं मानी जा सकती है, वो खराब जो है उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे में बैंकों को बैड लोन के जाल से बचाने का एक आसान तरीका है बैड बैंक। दरअसल पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नानी पालकीवाला स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए कहा कि रिजर्व बैंक एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है जिससे विनियमन वाली इकाइयां इन नए अवसरों का दोहन करने को तैयार हो सके, साथ ही वित्तीय स्थिरता को कायम और संरक्षित भी रख सके। केंद्रीय बैंक बैड बैंक स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अगर बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। मगर बैड बैंक की राह में चुनौतियां भी बड़ी हैं। इन मुश्किलों को अर्थशास्त्री एके मिश्रा कुछ इस तरह से बताते हैं। डेब्ट का डिस्पोजल करने का जो तरीका है वो कुछ न कुछ संदेहास्पद जरूर हो सकता है, उसके पीछे कारण है। आप ये देखिए, दिल्ली के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता है, यानी आपने अपने बैड लोन बैड डेब्ट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तो रख दिया, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं हुआ। प्रॉपर डिस्पोजेबल होने का मतलब कि प्रॉपर वे में उसकी रिकवरी हो ताकि प्रॉफिट जो है बैंक को मिले। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो वो लोन की अमाउंट एक कंपनी से उठ के दूसरे कंपनी के ऊपर चली गई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में तो वो लोन की अमाउंट अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है, वो जो लॉस है वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है कि जो बैड बैंक होंगी उनकी एफिकेसी क्या होगी। बैड बैंक के कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए,